हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका क्या दिया गया है? राकेश ने 20 बॉल पेन खरीदे और धीरे धीरे इन्हें बेच डाला। विक्रय मूल्य नियत करते समय प्रचलन में गलती होने के कारण उसे 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, यानी उसने क्रय मूल्य तो ज़्यादा था और विक्रय मूल्य कम रख दिया, जिसके कारण उसे 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई है? हानि हुई है। मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ या हानि हो तो आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, अगर आपको क्रय मूल्य के ऊपर लाभ या हानि हो तो आप सीधा लिखेंगे। इसमें आपको विक्रय मूल्य पर क्या हो रही है? हानि, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? जोड़कर लिखेंगे। 5 की हो रही है, कितने पर? 20 पर, तो 5/5 क्या लिखेंगे? 25, और गुणा परसेंटेज के लिए 100। 5 से काटेंगे तो आपका क्या आएगा? 5×5=25। 5 से 100 को काटेंगे तो क्या आएगा? 20%। इसने पूछा क्या था? कि 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत था, यानी आपकी हानि प्रतिशतता कितनी है? 20%। और इसने पूछा क्या है आगे? आगे इसने पूछा है, यदि उससे सभी पेन 250 रुपये में खरीदे हो तो एक पेन का विक्रय मूल्य याद करना है, यानी 20 बेचकर आपको 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही थी? हानि। तो आपको कितने पेन बेचने पड़ेंगे जिससे कि आपके रुपए पूरे हो जाएं? तो आपको 20 पेन बेचने से 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही थी आपको हानि, परंतु आप अगर 25 पेन बेचेंगे तो आपके कितने रुपए पूरे हो जाएंगे? 250। 25 पेन 250 में बेचेंगे तो एक पेन कितने में बिका? 10 रुपये में। यह आपका राइट आंसर हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दिया है, मोहन ने 20 टेबल 15,000 रुपये में खरीदी और इनको बेचकर 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। एक मेज का विक्रय मूल्य याद कीजिए। अगर आपको विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा हो तो आपने मतलब की ज़्यादा वस्तुएं बेच दी, यानी 5 वस्तुएं कम करनी पड़ेगी, यानी 5 वस्तुओं के मूल्य कम करोगे तभी आपके रुपये होंगे पूरे, यानी 20 बेचकर 5 के बराबर आपको क्या हुआ है? लाभ। तो लाभ आप घटा देते हैं विक्रय मूल्य में से, 5/15 × 100, यानी आपके 15 बेचकर रुपए पूरे हो गए थे 20 वस्तुओं में से, तो 5 ने आपने क्या कमाया था? लाभ। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 5 × 15 यानी 33 सही 1/3% आपने क्या कमाया? लाभ। और इसने कहा कि अगर 15,000 रुपये में खरीदी गई हो 20 टेबल, यानी 20 टेबल अगले 15,000 में खरीदी हो तो एक मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, यानी उसने 20 टेबल को खरीदा कितने में? 15,000 में, और आप बेच किस में रहे हैं? 15 में, यानी 15 रुपये में बेचकर आपके क्या हो रहे हैं? रुपए पूरे हो रहे हैं। एक टेबल यानी टेबल नहीं, आपकी कुल 15 टेबल बेचकर क्या हो रहे हैं? रुपए पूरे, यानी 5 का आपने क्या कमाया था? इसमें प्रॉफिट कमाया था। अगर आप 15 बेचकर आपके रुपए हो रहे हैं तो 15,000 में अगर 15 वस्तुएं बेचेंगे तो आपकी पर वस्तु कितने हजार की बिकी? 1,000 की। यानी अगर
आप 1,000 की एक वस्तु बेचें और 15 वस्तुएं बेचें तो 15,000 रुपये आपके पूरे, और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो आपने लाभ कमाया है, इसलिए पर वस्तु का तो मूल्य आया है 1,000 रुपये और लाभ प्रतिशत आया आपका 33.1%। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 31 में आपका दिया है 140 मुर्गियां बेचकर कमल को 10 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यदि उसने मुर्गियां 7,500 रुपये में खरीदी हों तो ज्ञात करो कि उसने एक मुर्गी कितने रुपए में बेची। यानी इसमें आपको 140 मुर्गियां बेचकर 10 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है? हानि। तो इसका अर्थ है कि अगर आप 150 वस्तुएं मुर्गियां बेचेंगे तो आपके रुपए पूरे होंगे, परसेंट 10 की आपको क्या हुई है? हानि। 150 पर गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100, 0 से काटेंगे 0 और 15 6 90, बचेगा कितना? 10, 10 बटे करेंगे 15, तो आपका हो गया 6.2/3%। यानी इतने की आपको क्या हुई है? हानि हुई है, यानी लॉस। सही है। और यह कह रहा है कि यदि उसने 7,500 में मुर्गियां खरीदी हो, यानी उसने कुल मुर्गियां खरीदने में कितने रुपए लगाए? 7,500। और आपके रुपए कितने रुपए में मुर्गी बेचने से पूरे हो रहे हैं? अगर आप 150 मुर्गियां बेच रहे हैं ना, तब आपके रुपए पूरे हो रहे हैं। यानी एक मुर्गी आप कितने की बेच रहे हैं? 150 की। और सभी मुर्गियां कितनी बेची? 7,500 की। तो आपके पर मुर्गी मूल्य क्या आया? 50 रुपये। यानी आपने एक मुर्गी को 50 रुपये में बेचा होगा। तो यही आपका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में इसने क्या दिया है? एक व्यक्ति ने संतरों के 25 करेट 10,000 रुपये में खरीदे, उसमें से 5 करेट खो गए। अब वह शेष करेट में प्रत्येक करेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% का क्या हो? लाभ हो। यानी उसने 25 करेट कितने में खरीदी? 10,000 में। यानी 25 करेट उसने खरीदी 10,000 में और 5 करेट खो गए। 5 करेट खो गए तो बचे कितने? 20 करेट। और 20 करेट आपको कितने में बेचने पड़ेंगे? 10,000 में। ठीक। और प्रत्येक करेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% लाभ हो। यानी 20 करेट बेचने हैं 10,000 पर, एक करेट कितने का बिकेगा? 10,000/20। ठीक है। और एक करेट पर क्या कमाना चाहता है? वह 25% लाभ कमाना चाहता है। तो गुणा 125 बटे क्या कर देंगे? 100। 2 जीरो से आप क्या काट देंगे? 2 जीरो। जीरो से क्या काट देंगे? 0। 2 से काट देंगे तो आएगा 5। 125 5 होता है 625। यानी आपको एक करेट कितने में बेचनी पड़ेगी? 625 में। ये आपका क्या है? राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका क्या दिया है? एक व्यक्ति ने संतरों के 45 करेट 15,000 रुपये में खरीदे, उसमें से 5 करेट खो गए। अब वह शेष करेट में प्रत्येक करेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 20% क्या हो? लाभ हो। पैंतालीस करेट खरीदे उसने 15,000 रुपये में और 5 करेट क्या हो गए आपके? खो
हो गए, यानी अब उसके पास कितने क्रेट बचे हैं, 40, यानी 5 खो गए, तो अब बचे उसके पास 40 क्रेट, और 40 क्रेट को वह कितने में बेचेगा, 15,000 में बेचेगा। और वह शेष क्रेट यानी बचे हुए 40 क्रेट प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचे की, या नीचे वाला सवाल है ये 33वां, 40 क्रेट अब शेष क्रेट प्रत्येक क्रेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 20% क्या हो, लाभ हो। यानी 40 क्रेट बेचने हैं 15,000 में, तो एक क्रेट कितने का बिकेगा, 15,000 बटे 40 का, और आपको क्या कमाना है, 20% लाभ, तो 120 बटे क्या होगा, 100, यानी 100% तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है और 20% आप क्या कमा रहे हैं उस पर प्रॉफिट, तो 120 बटे 100 हो गया, 20 से आपकी 20, 40 तिया 120, यानी 15 तिया 45, यानी 450 रुपये पर करेट आपको बेचना पड़ेगा। ये आपका क्या है, राइट आंसर, तो आपके रुपए 15,000 पूरे होंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे, शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब पर बेच दिया, निवल लाभ कितना हुआ। यानी 300 रुपए में क्या ले आया वह, 300 रुपए में वह लाया 100 सेब, ठीक है। आगे इसने कहा 4 सेब क्या हुए, सड़े हुए, यानी अब आपके पास बच कितने गए, 96 सेब। फिर वह कहता है कि शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन, यानी 96 सेबों को अगर आप दर्जन के हिसाब लगाएंगे, दर्जन में होते हैं 12, तो 12 से अगर आप भाग करेंगे तो आपके कितने दर्जन सेब हो गए, 12 × 8 = 96, यानी 8 दर्जन आपका क्या हुए हैं, सेब, जो कि क्या है, शेष बचे हुए। अब 8 दर्जन को आप किस हिसाब से बेच रहे हैं, 50 रुपए के हिसाब से अगर आप 8 दर्जन को बेचेंगे तो आपको कितने का बेचेंगे, 400 रुपए का, और आपने खरीदे कितने के थे, 300 के। ये आपका सेलिंग प्राइस और ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। अगर आपने 300 में खरीदे और 400 में बेचे, यानी 400 में 300 घटा देते हैं 100, यानी आपका निवल लाभ कितना है, 100, यही इसने पूछा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 35 में आपका दिया गया है ऋतु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे, उसने देखा कि उनमें 6 अंडे सड़े हुए हैं, उसने शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेच दिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। यानी 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने कितने खरीदे, 2.5 दर्जन, यानी 20 रुपये की एक दर्जन आती है तो 2 दर्जन 40 की और 0.5 दर्जन 10 रुपये की, यानी उसने कुल कितने रुपये लगाए होंगे, 50, और उसमें से क्या थे, 6 अंडे गले हुए या सड़े हुए थे, तो आप कितने बचे, 2 दर्जन। शेष अंडों को वह किस हिसाब से बेचती है, 22 रुपये प्रति दर्जन की हिसाब से वह बेच देती है, यानी बचे हुए हैं 2 दर्जन, पहले थे उनके पास 2.5 दर्जन, अब 6 खराब हो गए यानी 0.5 दर्जन खराब निकल गए, तो बचे 2 दर्जन, यानी बेच दिए उसने 44 में, ठीक है। यानी ये तो था आपका कॉस्ट प्राइस और ये था आपका सेलिंग प्राइस, उसको
50 में खरीदे और 44 में बेचे तो उसे कितने का नुकसान हुआ? 6 का। और कितने पर? 50 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा 100 करते हैं, 50 से काटेंगे तो 2 यानी 12% का उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 36 में आपका दिया है, एक व्यक्ति का 1 रुपये के 32 नींबू बेचकर 25% क्या है हानि होती है, वह 1 रुपये के कितने नींबू बेचे कि उसे 20% क्या हो? लाभ हो। एक रुपये में 32 बेचकर 25% की हानि, यानी 1 रुपये में 32 बेचकर 25% की हानि हुई तो मूल्य क्या बचा? 75/100। और अब वह कह रहा है कि 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगी उसे 20% का क्या हो? लाभ हो। यानी 1 रुपये में 20% का क्या हो? उसे लाभ हो। तो लाभ होने के लिए उसे क्या करने पड़ेगी? कम बेचने पड़ेंगे। कम बेचने के लिए आप कम से गुणा और ज्यादा से क्या करते हैं? भाग। यानी अगर आप कम बेचेंगे तभी आपको क्या होगा? लाभ होगा। यानी आप 100 से गुणा और 120 से क्या करते हैं? भाग, तभी आपको 120 पर यानी 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब आप काट दीजिए, 15 से काटिए, 15 × 5 = 75, 15 × 120, 8 × 32, यानी 1 रुपये में आपको कितने बेचने पड़ेंगे? 20। क्या कहा इसने? 1 रुपये में 20 नींबू बेचकर क्या होंगे? आपके रुपये पूरे होंगे। अगर आप इसका दूसरा तरीका करते हैं तो इसका दूसरा तरीका भी है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी 32 नींबू 1 रुपये में बेचकर 25% का लॉस हुआ तो बचा कितना? 75/100। और वह कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, यानी 75/100 तो आपका ये से रहेगा। और अगर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो आप कम नींबू बेचेंगे या ज़्यादा? कम बेचेंगे तभी आपको लाभ होगा, इसलिए कम से गुणा और ज़्यादा से क्या? भाग। 100 से 100 काट दीजिए, 15 × 5 = 75 और यहाँ पर 15 × 8 = 120, यानी 32 यहाँ पर था तो 32 की इस साइड ये 5/8 आएगा तो ये क्या होगा? चार पांच 20, यानी आपको कितने बेचने पड़ेंगे? 20। आगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचने की घोषणा करता है परंतु 1 किलो के बदले 950 ग्राम देता है, लाभ प्रतिशत याद कीजिए। यानी कोई दुकानदार वाला है जो क्रय मूल्य पर ही बेचने की घोषणा करता है कि मैं आपको जितना आया है क्रय मूल्य पर उतना ही दूंगा, परंतु वह बेचते समय क्या करता है? 1 किलो की जगह 950 ग्राम ही आपको देता है, तो आप कितनी कमाई करता है? 50 ग्राम की। यानी वह कहता है कि 1000 ग्राम पर ही मैं वस्तु को आपको बेचूंगा, परंतु वह करता क्या है? 50 ग्राम की क्या कर लेता है? कटौती, बचत कर लेता है और देता कितना है आपको? 950 ग्राम। तो कितने की बचत की इसने? 50 की। और कितने पर? 950 पर, न कि 1000 पर। यानी वह हर व्यक्ति को 950 ग्राम देता है और 50 ग्राम क्या कर लेता है? बचा लेता है। यानी 950 ग्राम पर 50 ग्राम की कर गया बचत। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 19,
100 को अगर आप 19 से काटते हैं, 19 पंजे 95, बच गया 5 बटे 19, यानी उसने 5 सही 5/19 क्या कमाया है, लाभ कमाया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 में आपको दिया है, एक डीजल क्रय मूल्य पर ही अपनी, एक डीलर है, एक डीलर क्रय मूल्य पर ही अपनी वस्तुओं को बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 किलो के बदले 900 ग्राम देता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह इसमें बताया गया है। एक किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। परंतु वह क्या करता है, आपको देता कितना है, 900 ग्राम, और कितने की बचत कर जाता है, 100 ग्राम। 100 ग्राम की बचत की उसने कितने पर, 900 पर, गुणा 100, 2 0 से 2 0, यानी 9 को 100 से भाग करेंगे तो 11 निम 99, बच गया 1/9, यानी 11 सही 1/9% की क्या कर गया वह बचत, तो उसका लाभ प्रतिशत है 11 सही 1/9%। आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका क्या दिया है, एक कपड़े का व्यापारी क्रय मूल्य पर ही कपड़े को बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 मीटर लंबाई के बदले 96 सेंटीमीटर कपड़ा देता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी 1 मीटर, 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, परंतु वह आपको देता कितना है, 96 सेंटीमीटर, और कितने के बीच में बचत कर जाता है, 4 सेंटीमीटर की। आपको कहता तो है कि मैं 100 सेंटीमीटर दूंगा, परंतु देता क्या है, 96, 4 की क्या कर गया, बचत, यानी 4 की बचत कितने पे की, 96 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 4 से काटेंगे तो आपका आएगा 24, 24 चौक 96 होता है, यानी 24 से अगर आप 100 को काटते हैं तो ये होता है 24 चौके 96, बच गया कितना, 4, 4/ यानी 24, यानी 4 सही 1/6% उसने क्या कमाया है, प्रॉफिट या लाभ कमाया है, ये आपका क्या है, आपका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। एक दुकानदार माल क्रय करते समय धोखे से 5% की बचत कर लेता है, तब फिर उसे बेचते समय 5% लाभ कमाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी कोई वस्तु आई है आपकी 100 रुपये की, ठीक है, और वह कहता है कि मैं आपको 100 रुपये में ही दूंगा, ठीक है, यानी कोई वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपये, और कोई वह किसी दुकान में जाता है और दुकानदार से पूछता है कि इस वस्तु का मूल्य क्या है, 100, परंतु वह 100 देने की जगह उसे क्या दे आता है, 95, और फिर आकर उस वस्तु को कितने में बेच देता है, 5% लाभ कमाने के लिए, यानी 105 में बेच देता है। कितने का लाभ कमा लिया यहां पर इसने, 10 का, और कितने पर, 95 पर, गुणा 100, यानी आया कितना आपका, 1000/95, अगर आप 10 से भाग करते हैं तो आपका आता है 950, और बच कितना गया, 50/95, यानी कोई आ रहा है आपका 10 से, हाँ आ रहा है एक, तो अब आपका कितने पर जाएगा, यह जाएगा आपके
पाँच से काटेंगे तो आएगा 10 और पाँच से काटेंगे तो 19, यानी 19 तो जी पॉइंट आएगा आपका 10 दशमलव, ये होगा 100, यानी 19 पंजे 95। ये तो आपकी मिस्टेक हो गई, यानी हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं एक बार। ये होता है, ये परसेंटेज के तरीके से कर लीजिए, क्योंकि उसमें होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बटे क्या होता है 100, यानी 5 की पहले प्रॉफिट कमाया बचत, और 5 का क्या किया बाद में 10 का हो गया, गुणा ये होता है एक्स मल्टीप्लाई वाई, यानी 5 गुणा 5 क्या हुआ बटे 100, यानी 25 तो ये हो गया, और 25 कहाँ से हो गया, 10 हो गया, 10 दशमलव 5 पंजे 25, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 41 में आपका दिया है, एक दुकानदार माल क्रय करते समय 10% की बचत कर लेता है, और फिर उसे बेचते समय क्या करता है, 10% की बचत कर लेता है, यानी 10 का लाभ उसने क्या कमाया पहले, और 10 का लाभ ही उसने क्या कमाया बाद में, तो उसने टोटल लाभ कितना कमा लिया 21%, यानी 10 जमा 10 इंटू 10 गुणा 10 बटे क्या करते हैं 100, यानी 10 और 10 आपका क्या हो गया 20, और 10 गुणा 10 100 बटे 100, यानी 100 को अगर आप 100 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 1, और 1 इसमें क्या होता है जुड़ता होता है, जमा 1 यानी 21% क्या हुआ उसे लाभ हुआ है। फिर हम इसे दूसरे तरीके से भी करते हैं, क्योंकि वह क्या कहता है, क्रय करते समय 10% की क्या करता है बचत, यानी धोखाधड़ी से ले आता है, तो यानी 100 वाला सामान क्या करता है 10% एक्स्ट्रा ले आता है, तो 110 का ले आता है, यानी इसका 10% क्या ले आता है लाभ कमाता है, तो 110 का सामान ले आता है और 100 रुपये देकर आता है, फिर यह बेचते समय क्या करता है 10% क्या खत्म कमाता है इसमें लाभ, यानी 110 बटे क्या करेगा 100, तो 0 से 0 0 से 0, यानी उसने कितने में बेच दिया 121 में, और कितने का था वह 100 का, यानी उसने कितने का लाभ कमा लिया 21 का, यानी 121 माइनस 100 करेंगे तो आपका आएगा 21, यानी उसने 21% का क्या कमाया लाभ। और फिर हम पीछे वाला भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा रह गया था ये दूसरे तरीके से, यानी आप पहले वाले तरीके से करेंगे तो उसने 100 रुपये की वस्तु पर 5 क्या किया परसेंट धोखाधड़ी से उसने ज़्यादा ले लिया, यानी 5% की धोखाधड़ी से खरीदते समय बचत कर जाता है, ये अगर 5% की खरीदते समय बचत करता है तो वह सामान कितने का ले आता है 105 का, यानी रुपए दे के आता है उसको 100, और धोखे से कोई वस्तु वहां से उठा लेता है तो वह 105 का सामान ले आया, और वह अब क्या करता है ये बेचेगा इसको कितने पर 5% लाभ पर, तो यानी 105 बटे 100 में उसे बेचनी पड़ेगी, तो 105 की अगर 105 से गुणा करते हैं तो आपका होता है, यानी जो संख्या दी गई है 100 के नज़दीक उसी में जोड़ेंगे और उसका स्क्वेयर, यानी 105 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 110, और 5 का स्क्वेयर क्या करेंगे 25, तो 110 और 25, और 100 की आप दशमलव लगा देंगे तो 110 25 हो गया, यानी उसे लाभ कितना हुआ है 10 दशमलव 25 का, ये आपका क्या है राइट आंसर, यानी 100 के तो उसका कॉस्ट प्राइस होता है 110.25 में बेचा है, 10 दशमलव 25 का क्या हुआ है उसे लाभ हुआ है। और आगे हम क्वेश्चन नंबर
42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका क्या दिया गया है, एक दुकानदार माल क्रय करते समय धोखे से 20% की बचत कर लेता है, यानी वह सामान तो था 100 का और धोखे से क्या करता है, वह उस दुकान से कुछ सामान एक्स्ट्रा ले आता है, यानी 20% की धोखाधड़ी कर लेता है, यानी 100 वाला सामान वह उठा के ले आता है, तो यानी 120 रुपये का सामान उठा के ले आता है वह, और वह अब बेचते समय भी 20% का लाभ कमाता है, यानी 120/100, यानी 120 में बेचना पड़ेगा उसे, यानी 100 वाला सामान 120 में बेचना पड़ेगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी बेचा क्या इतने में उसने 144 में, तो सामान कितने का था 100 का, यानी उसने लाभ कितना कमा लिया 44%, जो कि आपका दे रखा है। और अगर आप परसेंटेज के तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी हो सकता है, यानी 20 का लाभ तो उसने पहले कमाया और 20 का क्या कमाया बाद में, और 20 × 20 हम करते होते हैं तो 0 से 0, 20 और 20 40, और जमा 44%, ये आपका बहुत ही जल्दी होगा। इसे परसेंटेज से करना चाहें तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं हम। एक बेईमान दुकानदार माल विक्रय करते समय धोखे से 10% की, यानी विक्रय करते समय धोखे से 10% की बचत कर लेता है, तथा फिर उसे बेचते समय 10% का लाभ कमा लेता है, उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यानी कोई वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 100 कॉस्ट प्राइस था, और वह बेचते समय क्या करता है 10% की, यानी 10% की बचत कर लेता है, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की थी तो वह क्या करता है, यानी कोई वस्तु 100 ग्राम की थी तो वह बेचते समय क्या करता है 10% की बचत कर लेता है, यानी उसे 90 ग्राम ही देता है, अगर 100 ग्राम थी तो 90 ग्राम देता है, और अब वह क्या करता है कि बेचते समय 10% का लाभ लेता है, बेचते समय, और वह बेचते समय 10% और भी लाभ लेना चाहता है, तो मतलब कि 110 में बेचना चाहता है, वह कितने का लाभ कमा रहा है 20 का, यानी 20 का लाभ कमा गया वह, कहता था कि मैं 100 में दूंगा, कोई दुकानदार कहता है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही दूंगा, और पहले वह धोखे से क्या करता है 10% की उसमें से बचत कर लेता है, और फिर कहता है कि मैं 10% क्या करूँगा इस पर लाभ भी लूँगा, पहले तो कहता है मैं क्रय मूल्य पर ही दूंगा और बाद में कहता है 10% लाभ लूँगा, यानी अपा तो सोच रहे हैं कि वह 10% लाभ कमा रहा है, परंतु वह क्या कमा रहा है 20% उस पर ले रहा है, और कितने पर 90 पर गुणा 100, यानी 200 बटे आपका क्या हो गया 9, 9 × 18 और बच कितना गया 2/9%, ये क्या है आपका राइट आंसर। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है, एक बेईमान दुकानदार माल विक्रय करते समय धोखे से 5% की बचत कर लेता है, तथा फिर उसे बेचते समय 5% का लाभ कमाता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी उसी तरह का क्वेश्चन है, यानी कोई वस्तु कितने ग्राम की है, मान लेते हैं 100 ग्राम की है, और वह कहता है, कहता नहीं है कि क्रय मूल्य पर ही दूंगा, परंतु वह धोखे से क्या करता है, यानी 100 ग्राम ही दूंगा, परंतु वह धोखे से क्या करता है 5% की बचत कर जाता है, यानी 95% ही तोलता है, और वह कहता है कि मैं 5% ही लाभ लूंगा, परंतु 5% तो उसने पहले ही तोल में मुनाफा ले लिया, और 5% वह क्या रेट में मुनाफा ले रहा है, तो यानी 105 में बेचेगा, यानी कितने का लाभ कमा गया 10 का, कितने पर 95 पर गुणा 100, ये कितना हो गया आपका 1000/95, 95 की अगर भाग करते हैं तो ये हो गया 950, यानी 95 दाया
950 कितना बच गया आपका, 50 बटे 95, यह दे रखा है क्या इसमें? दे रखा है यानी 5 से भाग करेंगे तो 10 और 5 से भाग करेंगे तो 19, यानी इसने दिया है 10 सही 10 बटे क्या 19। ये क्या है आपका राइट आंसर। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इन क्वेश्चनों में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, यानी वह बेचते समय क्या करता है, 5% की धोखाधड़ी से बचत कर लेता है, यानी 100 ग्राम की जगह वह क्या देता है 95 ग्राम, और 5% वह कहता है कि मैं लाभ लूंगा, परंतु वह लाभ कितना ले रहा है, 5% तो पहले ही ले लिया उसने, और 5% क्या बाद में, यानी 10 का लाभ कितने पर, 95 पर, गुणा 100, ये फिर आपका हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45 में आपका दिया है, एक बेईमान दुकानदार माल क्रय और विक्रय करते समय धोखे से 25% की बचत कर लेता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का क्या हुआ है लाभ, यानी कोई 100 ग्राम की वस्तु है, 25% बेचते समय क्या करता है, धोखाधड़ी से बचत करता है, यानी क्रय और विक्रय करते समय 25% का क्या कमाता है, बचत कर लेता है, यानी वह दे रहा है कितना 75, 100 ग्राम की जगह दे रहा है 75, और कह रहा है 25% क्या लूंगा, लाभ लूंगा, यानी 125 में दूंगा, तो कितने का कमा गया लाभ, लाभ तो कमा गया 50 का, और कितने पर 75 पर, गुणा 100, 25 गुणा 50, और 25 दिया 75, यानी 2/3 है, यानी 1/3 की तो वैल्यू होती है 33 सही 1/3, और 2/3 की वैल्यू होगी आपकी 66 सही 2/3%। अगर आपको वैसे नहीं करना तो 200/3 कर लेना, 200/3 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 6 18 है, और 3 6 18 2/3, ये आपका क्या है राइट आंसर है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसे लाइक और शेयर भी जरूर करना।